चीते कभी कभी मिलकर भी शिकार करते हैं। ये भाई इकट्ठे मिलकर शिकार पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ ये थॉमसन गजेल है जो आसानी से हाथ नहीं आता। ये चारों उसके पीछे हैं। ग्रुप लीडर ने चेज शुरू की। सबसे तेज जानवर सिर्फ 30 सेकंड तक अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन रख सकता है। इस एफर्ट से भाई इंप्रेस नहीं हुए। विल्डबीस्ट के बड़े झुंड के साथ थॉमसन गजेल्स के कई छोटे झुंड चल रहे हैं। अगर चीते की टॉप स्पीड से गजेल्स अपने आप को सेफ रखने में कामयाब हो जाएं, तो ये जिंदा बच सकते हैं। वैसे ये जिगजैग में भी माहिर होते हैं। अगर शिकारी थोड़ा सा लड़खड़ाया तो अगले दिन तक जिंदा रहने का मौका मिल जाता है। ये लंबी घास के इलाके में रहना पसंद करते हैं और वहां पर कब कहां मुसीबत छिपी हो कुछ पता नहीं चलता। ये गजेल्स शायद इस वाटर होल को पार करना चाहते हैं, लेकिन पानी के नीचे छिपे खतरों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस फीमेल ने पानी में छलांग तो लगा दी, मगर जल्दी ही बाहर निकलने का सही फैसला भी कर लिया। जब रेन क्लाउड्स साउथ की तरफ मूव करते हैं तो जानवरों के झुंड भी अकेशिया फॉरेस्ट से निकलना शुरू कर देते हैं। अब ये एक मोटी लाइन में साउथ के एनगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया की तरफ चल पड़े हैं। तीन हफ्तों से विल्डबीस्ट की लगातार आ रही आवाजें थोड़ा दब गई हैं और उनकी जगह लोकल बर्ड्स के गाने सुनाई दे रहे हैं। इंपाला मेल्स अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। फीमेल्स और यंगस्टर्स ये सब देख रहे हैं। मेल इंपाला टंग फ्लिक करके फीमेल्स को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ फीमेल्स का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता। पीछा करने का मजा जल्द ही थकान में बदल गया है और कई बार अपने आप को समझाना पड़ता है। अगर आपका कोई पड़ोसी उस फीमेल का दिल जीत ले तो आपके लिए अपना झुंड ही सबसे कीमती है। अगर कोई यंग विल्डबीस्ट अपने झुंड से अलग हो जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है।